एसपीएन आई न्यूज, मैं राशिद अली। आपने अक्सर कई सर्वे देखे होंगे और सुने होंगे। अब वो सर्वे आपके मोहल्ले पड़ोस में होते हैं, नगर में होते हैं, राज्य में होते हैं, हर जगह सर्वे होते हैं। तो कभी एनजीओ को लेकर होते हैं, तो कभी वहाँ की जनसंख्या को लेकर होते हैं, कभी बीमारियों को लेकर होते हैं, तो कभी किसी आंकड़े को लेकर होते हैं। और अब खास बात ये कि हाँ, कभी कभी नेता और पार्टियां भी कराती हैं हाल जानने के लिए कि वहां पर हमारा हाल कैसा चल रहा है। और दरअसल ये चुनाव आने से पहले ज़रूर होता है कि पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी होती हैं, वो अपना सर्वे कराती हैं और देखती हैं कि वहां की जनता का रुख क्या है, क्या वहां की जनता अब भी हमारे पास है या फिर दूसरी पार्टी के पास चली गई है। ऐसा ही सर्वे बीजेपी करा रही है, जो कि सर्वे नहीं बल्कि महासर्वे है। कई सर्वों पर यह आकलन किया गया है, एक के बाद एक सर्वे कराए गए और उन सर्वों का महासर्वे निचोड़ निकल कर आया है, जिसमें पता चला है कि केंद्र सरकार ये सर्वे कराने में जुटी है कि आखिर 2019 में क्या होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री कौन और किसकी सरकार। जी हां, 2014 में जिस तरह से मोदी लहर दिखी थी और हर सर्वे ये कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी इतनी ज्यादा जीतेगी, ये किसी सर्वे में खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन अब फिर वही आलम है और फिर वही पार्टी है और फिर वही सर्वे हैं, लेकिन अंतर है तो सिर्फ लहर का। 2014 में लहर थी और अब नहीं है। जी हाँ, एक के बाद एक कई सर्वे कराए हैं केंद्र सरकार ने और 2019 में उनकी जंग जारी है कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी। एक इन्हीं सर्वों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो शायद ये सोचकर दोनों ही पार्टियां चिंता में आ जाएं और अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहें। वैसे तो वो लगा ही रही हैं, क्योंकि इस साल कई विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में और 2019 में लोकसभा चुनाव हैं, और उसके लिए पार्टियां तैयारी कर रही हैं। और इसीलिए खबर आई है, क्या 2019 में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी 2014 में कई मुद्दों को लेकर आती है और मैं आपको बताता हूं, कई सर्वे इसमें किए हैं। 2019 चुनाव में बीजेपी की वापसी को लेकर सर्वे में बड़ा खुलासा। वो क्या खुलासा हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। और ये सर्वे किन आधार पर हुआ है, क्या जनता दोबारा बीजेपी को लाएगी, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या आप बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना चाहेंगे, और लाना चाहेंगे तो किस आधार पर लाना चाहेंगे। विकास पर लाना चाहेंगे, बेरोजगारी पर लाना चाहेंगे कि बेरोजगारी खत्म हुई है, रोजगार मिला, महिलाओं को सम्मान मिला है, विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, डेवलपमेंट इंडिया बना है, मेक इन इंडिया बना है, स्किल इंडिया बना है, डिजिटल इंडिया बना है, या फिर जमीनी स्तर पर हुआ है, काला धन आ गया है, 15 लाख आ गए हैं, किसानों की आय अच्छी हो गई है। कितने मुद्दे ऐसे जो कि सरकार के बात है, और आप अगर लाते हैं तो किन मुद्दों पर लाते हैं, सोचने वाली बात है। महंगाई कितनी कम हुई, गरीबी कितनी घटी, कहाँ किसका कितना विकास हुआ, सोचने वाली बात है। कितने लोगों को घर मिला, गांवों में बिजली मिली, सड़कें मिली, मकान मिले, देखने वाली बात होगी। और इन्हीं के मद्देनजर सरकार को चुना जाएगा। जी हाँ, अब एक ऐसी खबर आई जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दरअसल कई सर्वे किए हैं और उन एक सर्वों का महासर्वे निकलकर सामने आया है। 2019 में बीजेपी की केंद्र की सत्ता पर वापसी होगी या विदाई, ये तो चुनाव बाद ही साफ होगा। लेकिन एक मशहूर लेखक है जो चेतन भगत की ओर से कराए गए ऑनलाइन सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। और ये चौंकाने वाले नतीजे किसके लिए ज्यादा हैरत अंगेज हैं, किसके लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं, ये बात देखने वाली होगी। दरअसल चेतन भगत ने 2019 चुनाव को लेकर ट्विटर पर 3 अलग अलग सर्वे कराए हैं। चेतन के पहले सर्वे में पूछा गया था कि क्या आप 2019 में अपना वोट दूसरे दल को देने के बारे में प्लान कर रहे हैं। इस सवाल पर अब तक कुल 51,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है, जिनमें 66% लोगों ने इस बार भी बीजेपी को ही वोट देने की बात कही है, जबकि 18% लोगों ने बीजेपी को वोट देने से इनकार किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, यानी कि 66% वो लोग हैं जो अभी बीजेपी के साथ हैं और 18% वो लोग हैं जो पहले बीजेपी के साथ थे, 2014 में बीजेपी के साथ थे और अब नहीं है, 2018 में नहीं है और 2019 तक ये गिनती, ये प्रतिशत ना जाने कितना और बढ़ सकता है। यानी सर्वे के मुताबिक बीजेपी के वोट बैंक में करीब 18% की गिरावट आ सकती है, जो कि सर्वे में साफ दिखी है। हालांकि 7% लोगों ने बीजेपी को वोट देने की बात कही है। ये लोग पिछली बार नॉन बीजेपी वोटर थे,
इसके अलावा 9% वोटर जो नॉन बीजेपी वोटर थे उन लोगों ने कहा है कि वो इस बार भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, यानी कि जो पहले भी बीजेपी के साथ नहीं थे वो अब भी बीजेपी के साथ नहीं है, वो अब भी दूसरी पार्टी के साथ है, दूसरी पार्टी कोई भी हो सकती है लेकिन वो बीजेपी के वोटर नहीं थे और अब भी नहीं है। जी हाँ, तो वहीं अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे सर्वे के बारे में, जिसमें कितना प्रतिशत वोट बीजेपी का है और कितना प्रतिशत अदर का है और कितने प्रतिशत उससे टूट चुके हैं और कितने प्रतिशत उससे जुड़ चुके हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस सर्वे में। दूसरे सर्वे के बारे में बात करूं तो मोदी सरकार ने किन मुद्दों पर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, इस पर 31% लोगों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार की अच्छी नीतियों ने प्रभावित किया है, 31%, जबकि 29% लोग मोदी सरकार के काम से कतई प्रभावित नहीं है, और 27% लोगों का मानना है कि मोदी राज में कम हुई करप्शन की दर ने उन्हें प्रभावित किया है। इस सर्वे में कुल 18,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय जाहिर की थी, 18,000 से लोग जाहिर अपनी राय जाहिर करते हैं जिनमें 31% लोगों ने कहा है कि उन्हें मोदी सरकार की अच्छी नीतियों ने प्रभावित किया है, तो वहीं 29% लोगों का भी ये कहना है कि मोदी सरकार के काम से वह कतई प्रभावित नहीं है। शायद ये उन वादों को गिनते हैं, उन नीतियों को, उन योजनाओं को गिनते हैं जो मोदी सरकार की अभी अधूरी पड़ी हुई है। तो वहीं 27% लोगों का मानना है कि मोदी राज में कम हुई करप्शन की दर उन्हें प्रभावित किया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं आखिरी यानी तीसरे सर्वे में। पहले सर्वे में 51,000 लोग, दूसरे सर्वे में 18,000 और तीसरे सर्वे की अगर हम बात करें जिसमें पूछा गया था कि किन वजहों से आपको सबसे ज्यादा मोदी सरकार से निराशा हुई है, सबसे बड़ा सवाल जो कि सारे हिंदुस्तान की जनता से आज भी है और हम भी करते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से, मोदी सरकार के फैसलों की वजह से आपको निराशा हुई है और कौन से ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से आप खुश हुए हैं। जी हाँ, इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले करीब 13,000 से ज्यादा लोगों में से 50% का मानना है कि मोदी सरकार के कामकाज से उन्हें निराशा या असंतोष नहीं हुआ है, 50% से ज्यादा लोगों का मानना, जबकि 26% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार लोगों का ध्रुवीकरण करती है। वहीं 15% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की नीतियां खराब हैं और उनसे उन्हें असंतोष हुआ है, जबकि 9% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार दबंग जैसा व्यवहार करती है। लेकिन ये बात है कि आखिर ये तीनों ही सर्वे मैंने आपको दिखाए जिनमें थोड़ा बहुत अंतर तो है लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर बीजेपी ही है, लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहा है, जिस हिसाब से वोट बैंक घट रहा है, आप इनमें देख सकते हैं कि बीजेपी का, भले ही बीजेपी ऊपर है लेकिन बीजेपी का वोट बैंक लगातार घट रहा है। हर पहले जो उनके वोटर थे वो अब उनसे कट रहे हैं और वो अदर्स पार्टी में जुड़ रहे हैं, और वो आखिर इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल जो बन रहा है कि वो बीजेपी से निराश क्यों हैं, क्यों बीजेपी, क्या कारण है, क्या बीजेपी के वादे, बीजेपी की नीतियां, बीजेपी के काम करने का तरीका, बीजेपी की जो छवि है वो, या फिर क्या है, और कितने लोग उनसे खुश हैं, उनके तरीके से खुश हैं, उनके काम करने से खुश हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी सरकार ने कई योजनाएं चलाई और उसका लाभ कई लोगों को मिला, लेकिन ऐसे भी योजना है जो अभी भी अधर में लटकी हुई हैं, जो अभी भी पूरी नहीं है, और उन्हीं पर सब निशाना साधते हैं, वो योजना, उन बातों को लेकर, उन वादों को लेकर कुछ लोग नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान जो आवाज़ उठाता है कि आखिर इन वादों का क्या हुआ। लेकिन सवाल 2019 में जो इस सर्वे बताता है कि बहस इतना अंतर आपने नोटिस किया होगा कि ये 2014 जितना अंतर नहीं है, जितना बीजेपी की लोकप्रियता एकदम ऊपर थी और अब 2018 के जो सर्वे है इसमें कितनी नीचे आ गई है। भले ही बीजेपी आ गया हो लेकिन उसमें गिरावट बहुत आ गई है, और ये गिरावट 2019 में कहीं कांग्रेस से नीचे ना आ जाए, सोचने वाली बात है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब घबराई हुई है और इसीलिए वो अपने भी सर्वे कराने में जुटी है, राज्य सरकारों से वो सर्वे करा रही हैं कि आखिर वहाँ के लोगों का क्या हाल है, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव वहाँ पर क्या हाल है सरकारों का, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव राज्यों से होकर ही
लोकसभा चुनाव में जाएंगे और वहीं पता चलेगा कि आखिर बीजेपी सरकार की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है, और पता चलेगा 2019 में कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।